रूस अपने सारे मंसूबे पूरे करेगा, सदर प्यूटन कहते हैं। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। रूसियों में जितना इतिहाद आज है वो तवील अरसे से नहीं था। सदर प्यूटन मास्को स्टेडियम में खिताब कर रहे थे। सरकारी टीवी ने अचानक तकरीर की बजाय मिली नगमे दिखाना शुरू कर दिए। आलमी मईशत गैर यकीनी का शिकार। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत मुसलसल $100 से ऊपर। अमरीकी एवान नुमाइंदगान ने रूस और बेलारूस से तजारती ताल्लुकात मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर दिया। चीनी और अमरीकी सदूर का रबता, चीन का अमरीका पर मुज़ाकरात पर जोर। चीनी सदर ने कहा रूस के साथ तनाज़ा किसी के भी हक में नहीं। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने चीन से यूक्रेन जंग ख़त्म करने के लिए मदद मांग ली। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसलाधार बारिश और यालाबारी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में तूफान गरज चमक के साथ बादल बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। मरी और गिर्दोनवाह में भी यालाबारी, तूफानी हवाएं चलने लगी। बिजली का निजाम मुतासर होने से शहरियों को मुश्किल। तौबा, मगफरत, ईमान और सलामती वाली रात शब बारात मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद में महाफिल, जिक्र और नात और खुसूसी इबादत का अहतमाम। मुसलमान अल्लाह के हजूर सरबसजूद होकर अपनी कोताहियों को माफ़ी मांगने में मसरूफ़ हैं। मुल्क और कौम की सलामती, खुशहाली और अमन के लिए दुआओं का एहतमाम। सिंध हाउस पर हमला, FIR में MNAs के नाम गायब। हमला MNA फहीम खान और अताउल्ला की क़यादत में किया गया, मगर थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज FIR में सिर्फ कारकुनान के नाम शामिल हैं। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है पुलिस ने कारकुनान को थाना सेक्रेटेरिएट शिफ्ट किया था। दो MNAs भी थाने पहुंच गए। शहबाज गिल दोनों MNAs को थाने से लेकर चले गए। कारकुनान के खिलाफ वर्जी और कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इमरान खान ने सिंध हाउस पर नहीं, विफाक पर लश्कर कशी की है। साबिक सदर आसिफ जरदारी का कहना है कि इमरान खान के पास नंबर्स होते तो वो ऐवान में ताकत का मुजाहरा करते। शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध पुलिस ना होती तो अरकान असम्बली की लाशें गिरती। इमरान न्याजी अनारकी और तस्दुम की सूरत हाल चाहता है, अपोजिशन तस्दुम नहीं चाहती। हम अपनी जंग सड़कों पर नहीं पार्लियमान में ही लड़ेंगे। इसी तरह हमले होते रहे तो आपके घर भी महफूज नहीं रहेंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का नोटिस अराकीन को मौसूल। सेक्रेटरी असम्बली ने अराकीन को तहरीक अदम एतमाद की कॉपी भी फराहम कर दी। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास आज दिन 12 बजे तलब। सिंध हाउस वाकये पर मुशावरत की जाएगी। मुनहरिफ अराकीन से मुतालिक रेफरेंस पर गौर होगा। इजलास बुलाने और तहरीक अदम एतमाद पर बात होगी। मुनहरिफ अरकान को 5 साल के लिए नाहल करने का ऑर्डिनेंस तैयार नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस में ऐसा कोई ऑर्डिनेंस नहीं बना। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला हुआ। आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट से राय ली जाएगी। सदारती रेफरेंस जल्द दायर किया जाएगा। आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने -1 फार्मूला मुस्तरद कर दिया। सियासी कमेटी के इजलास के दौरान कहा मुकाबला करेंगे, तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाएंगे, हक और सच की जंग लड़ रहे हैं, ज़मीर खरीदने वालों को शिकस्त होगी। मुनहरिफ अराकीन की रिपोर्ट पेश, कानूनी कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आज़म ने 27 मार्च को डी चौक में इजतमा की तैयारियों की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ अरकान असम्बली को शोकॉज देने का फैसला। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तहरीक इंसाफ के अरकान अपने फैसले पर गौर करें। असद उमर ने कहा कि इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ का वजूद ही नहीं। माइनस इमरान खान का मतलब माइनस तहरीक इंसाफ होगा। फवाद चौधरी ने कहा कि हम शरीफ जरूर हैं, मगर जरूरत पड़ने पर बदमाशी भी कर सकते हैं। मुबारक हो, हुकूमत ख़त्म हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है खान साहब सिर्फ दहशत फैलाना चाहते हैं।
हुकूमत लाखों लोग नहीं 172 अरकान शो करे, मौजूदा हुकूमत की इंतखाबी असलाहत खत्म करेंगे, हम खान साहब को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे, इस हुकूमत को जमहूरी तरीके से ही घर भेजेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए, इमरान खान अपोजिशन तो क्या, इत्तहादियों से भी बात करने को तैयार नहीं। जहांगीर तरीन ग्रुप की हुकूमत को ना, ऑपोजिशन को हाँ, लाहौर में मशावती इजलास। जहांगीर तरीन की वीडियो लिंक पर शिरकत, अरकान की अक्सरियत का हुकूमत के साथ चलने से इनकार, हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग काफ के साथ मुलाकातें जारी रखने पर इत्तफाक, अरकान की हुकूमत के साथ राबिता ना रखने की तजवीज, ग्रुप माइनस बुजदार के मुतालिबे पर डट गया, आइंदा वजीर आला कौन होगा, जहांगीर तरीन ग्रुप करेंगे इसका फैसला, तरीन ग्रुप के सिंध हाउस पर धावा बोलने की भी शदीद मजम्मत। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत का साथ देगी या अपोजिशन का, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जनरल वर्कर्स इजलास 20 मार्च को तलब कर दिया। वफाकी वजीर अमीनुल हक का कहना है कारकुनों की राय पर राबिता कमेटी फैसला करेगी, मिड टर्म इलेक्शन हो या जिमनी इलेक्शन, MQM हमेशा से तैयार है, हंगामा आराई और तोड़ फोड़ करना मसाइल का हल नहीं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है और दिस इज़ आल्सो ऑन रिकॉर्ड कि मैं अपने हलके की आवाम का एक मसला भी फेडरल गवर्नमेंट से हल नहीं करा सका। ये मैं सूरत यासीन लेके खड़ा हुआ हूँ और मैं इस पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि अदम एतमाद के सिलसिले में किसी से एक रुपया नहीं लिया, किसी भी रुकने असम्बली ने किसी से कोई एक रुपया नहीं। मुजफ्फरगढ़ से तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई, MNA आमिर गोपांग भी हुकूमत से नाराज हो गए। 92 न्यूज को इंटरव्यू में कहा कि तहरीक अदम एतमाद वाले दिन असेंबली जाऊंगा, एक और खिलाड़ी अपोजिशन ज्वाइन करने के लिए तैयार। भक्कड़ से PTI MNA अफजल झांचड़ा के भी तहफुजात, कहते हैं वो वोट देने का फैसला जमीर के मुताबिक करेंगे। हुकूमत तो नहीं बचा सकते इंशाल्लाह, मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा अगर कोई बची कुची इज्जत है तो वही बचा के निकल जाओ भाई, आप एक मुंतखब हुकूमत तो नहीं कि डट जाओ, अब गुंडागर्दी का ही ऑप्शन रह गया है, पर ये भी हमेशा उल्टा ही पड़ता है। अराकीन की खरीदो फरोख्त प्रोपेगेंडा है, चौधरी शुजात का कहना है ये पहली तहरीक अदम एतमाद है जिसमें कोई वोट खरीद रहा है और ना बेच रहा है, पहली बार हुकूमत और अपोजिशन एक इशू पर जलसा कर रहे हैं, हुकूमत तो जलसे जुलूस रोकने की कोशिश करती है, दूसरी जानब डी चौक पर सियासी तसादुम रोकने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पीर के रोज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की वनडे OT20 सीरीज लाहौर मुंतकिल, वजीर दाखला शेख रशीद ने तस्दीक कर दी सीरीज रावलपिंडी में होना थी, PCB ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के जवाब के बाद ऐलान करेगा। तीसरे टेस्ट के लिए टीमें आज से प्रैक्टिस का आगाज करेंगी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने गोल्फ खेलने की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की, मोहम्मद रिजवान की शाहीन आफरीदी के बाल काटने की वीडियो वायरल। कौमी बॉक्सर मोहम्मद वसीम एक बार फिर रिंग में उतरने के लिए तैयार, मोहम्मद वसीम बरतानवी बॉक्सर के खिलाफ आज होंगे इन एक्शन। बॉक्सर मोहम्मद वसीम वर्ल्ड टाइटल फाइट में बरतानवी बॉक्सर सनी एडवर्ड से दुबई में दो दो हाथ करेंगे।